प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता 91 उसका पद नंबर 2। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। इस वचन में अपने मुंह से अंगीकार करना है और अपने मुंह से बोलना है। क्या बोलना है? यहोवा मेरा शरण स्थान। अब शरण स्थान के रूप में उसे कैसे समझोगे, कैसे जानोगे? गढ़ के रूप में उसे कैसे जानोगे? जिसने इसका अनुभव किया वो अच्छे से जानता है, जिसको इस वचन का प्रकाशन मिला वो अच्छे से जानता है। और बाद में बोलता है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह मेरा परमेश्वर है, उस पर भरोसा रखूंगा। शरण, शरण स्थान। हम मनुष्य की रीति से देखें तो मनुष्य एक राहगीर जब धूप में चलता है तो वो किसी हरे दरखत वृक्ष के नीचे बैठता है थोड़ी देर, वो उसकी शरण बन जाती है उस समय। यदि कोई बरसात में चल रहा है तो बरसात में कहीं कोई छपरिया या कहीं कोई किसी मकान के बरामदे में कहीं खड़ा होता है तो वो उसकी शरण बन जाती है उस समय। जब कोई रोजगार की तलाश में है, कहीं किसी को काम मिल जाता है, वो उसके लिए एक जरिया बन जाता है, वो उसकी एक शरण बन जाता है। लेकिन प्रभु शरण स्थान, ये एक बहुत बड़ी बात है। प्रभु शरण स्थान बने और उसमें एक व्यक्ति शरण ले तो वो हमारा परमेश्वर चलती फिरती चट्टान है। वो परमेश्वर हमारे ऊपर, वो परम प्रधान की छाया, उसका तंबू हमारे ऊपर बना रहता है। परमेश्वर हमारा घर बन जाता है और जहां जहां हम जाते हैं वो हमारा घर हमारे साथ साथ चलता है। ईंट पत्थर के बनाए हुए भवन जहां पर स्थिर हैं वहीं रहेंगे, उनके पास तो जाना पड़ता है, लेकिन यहोवा परमेश्वर ऐसा घर है जहां हम जाएंगे हमारा घर हमारे संग संग चलेगा। ये खास बात है। प्रभु जब हमारा शरण स्थान बनता है तो एक कवच सुरक्षा का हमारे ऊपर आ जाता, पवित्र आत्मा हमारे ऊपर छाया करता है, उसकी मित्रता हमारे ऊपर बनी रहती है, उसका तंबू हमारे ऊपर बना रहता है। वो मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है। मान लो कोई व्यक्ति एक छोटी खोली में रहता है, एक खाट की जगह, उसमें वो एक आदमी ही बड़ी मुश्किल से रह पाएगा। कोई उससे बड़े कमरे में रहता है, उसमें दो आदमी रह लेंगे। कोई उससे बड़ी जगह है, एक तंबू है, उसमें बड़े तंबू में तीन या चार आदमी रह लेंगे। लेकिन एक किला है, किला बड़ा, उस किले में एक गांव के लोग पूरे के पूरे उस एक किले के भीतर रह सकते हैं, इतना बड़ा किला है। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहोवा मेरा शरण स्थान। मेरा शरण स्थान ऐसा नहीं है कि जिसमें मैं बैठकर तंग हूँ या मैं उसमें खुली सांस ना ले सकूँ, ऐसा नहीं है। मेरा जो शरण स्थान है वो मेरे प्राणों को तृप्त करता है, वो मेरे जी में जी ले आता है, वो मेरे हर्ष और आनंद का विषय बन जाता है। यहोवा मेरा शरण स्थान
बन जाता है। और परम प्रधान जो है, जब वो उसकी छाया मेरे ऊपर बनी रहती है और उसमें मैं बैठा रहता हूँ, और उस सर्वशक्तिमान की छाया में जब मैं उसमें ठिकाना पाता हूँ, तभी बाद में बोल सकता हूँ यहोवा के विषय में मैं यहोवा के विषय कहूँगा वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। मतलब मेरे अकेले के लिए ही नहीं, उस गढ़ के अंदर बहुत सारे लोग आकर शरण ले सकते हैं। ऐसा मेरा गढ़ है, मेरा शरण स्थान। यहोवा में शरण लिए हुए लोग, जब एक राजा दाऊद जब परमेश्वर में शरण लेता था, 7 बार स्तुति दिन में करता था, और उस समय उसकी प्रजा के लोग सुख चैन से रहते थे। इसी तरीके से जब एक व्यक्ति किसी घराने से, किसी क्षेत्र से, किसी देश से चुना जाता है, तो परमेश्वर उसका शरण स्थान बनता है। परमेश्वर के नबी, परमेश्वर के दास जब परमेश्वर में शरण लेते हैं, तो उनके कारण उनका घराना, उनका क्षेत्र, उनका देश उसमें बच जाता है, जब लोग उसमें आके शरण लेते हैं। और परमेश्वर जब हमारा शरण स्थान बनता है, वो क्षेत्रफल के हिसाब से वो छोटा नहीं है, वो बहुत बड़ा है। उस परम प्रधान की जो छाया है वो बहुत बड़ी छाया है। जैसे पृथ्वी के ऊपर आकाश बड़ा है, ऐसे उसकी करुणा हमारे ऊपर बड़ी है, ऐसे उसकी छाया हमारे ऊपर बड़ी है। जो इसका अनुभव करता है वही कह सकता है मैं यहोवा के विषय कहूँगा वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। गढ़ क्या है? यहोवा परमेश्वर हमारा गढ़ है। पुराने समय में जब शत्रु चढ़ाई करते थे गांव नगरों पर, तो बहुत बड़े बड़े पुराने समय में किले होते थे, रियासत होती थी। जब प्रजा के लोग, गांव के लोग, देहात के लोग इकट्ठे भाग के उस किले में शरण लेते थे शत्रु से बचने के लिए। परमेश्वर हमारा दृढ़ गढ़ है। परमेश्वर को जब हम गढ़ करके समझते और मानते और इन वचनों का अंगीकार करते और कहते मैं यहोवा के विषय कहूँगा वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। शरण स्थान और गढ़ मतलब उसमें शरण लेने वाले हम हैं, तो हम अकेले ही नहीं, हमारे साथ बहुत सारे लोग उसमें शरण ले सकते हैं। और उसमें शरण लेने से हमें तसल्ली मिलेगी, सुकून मिलेगा, चैन मिलेगा, उसकी छाया में हम बैठेंगे, उसकी छाया में हमें आनंद मिलेगा, और हम उसमें ठिकाना पाएंगे, और वो हमारा शरण स्थान और गढ़ बन जाएगा। फिर उसके बाद में हम कह सकते हैं वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा, मेरा भरोसा उसके ऊपर हो जाएगा। फिर 91 भजन संहिता का 9 नंबर एक पद है, हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। जब हम इन वचनों का अंगीकार करते हैं, उसको अपना शरण स्थान मान लेते हैं, परम प्रधान को अपना धाम मान लेते हैं, धाम का मतलब है पीढ़ी से पीढ़ी तक, 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, 5 पीढ़ी, पीढ़ी पीढ़ियों तक उसको धाम मान लेना। एक पीढ़ी गई, दूसरी ने भी उसको अपना
परमेश्वर शरण स्थान माना, गढ़ माना, दूसरी ने भी, तीसरी ने भी, इस तरीके से कई पीढ़ियों ने उसको अपना धाम मान लिया, परम प्रधान को अपना धाम मान लिया। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। इसलिए हमें परमेश्वर में शरण लेनी चाहिए, परमेश्वर को शरण स्थान बनाना चाहिए, उसको अपना गढ़ बनाना चाहिए समझते हुए, और इस वचन के प्रकाशन से हमें आगे बढ़ना चाहिए कि परमेश्वर के विषय में कहना चाहिए कि यहोवा परमेश्वर मेरा शरण स्थान है। मैं यहोवा के विषय कहूँगा तो यहोवा के विषय हमें कहना है, और जब हम यहोवा के विषय कहेंगे तो हम उसकी सामर्थ में, जीवन में, सुरक्षा में चलेंगे। प्रभु यीशु का धन्यवाद। परमेश्वर पिता, जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, ऑडियो को, उनके ऊपर प्रभु तेरी दया हो। परमेश्वर, वो तुझे शरण स्थान के रूप में और गढ़ के रूप में जाने, और परमेश्वर आप उनके लिए पीढ़ी पीढ़ियों के लिए धाम बनकर रहें, ताकि कोई विपत्ति ना पड़े और ना कोई दुख डेरे के निकट आए। वो परम प्रधान को अपना धाम मानकर चलें, और उनके जीवन में से दुष्ट के गढ़ गिराए जाएं, शैतान के हथियार नष्ट किए जाएं, और परमेश्वर बंदे छुड़ाए जाएं, उनको छुटकारा मिले, और शैतान के जकड़े हुए लोग छुटकारा पाएं अंधकार की शक्तियों से, तमाम प्रकार की बीमारियों से, तमाम मन के द्वंद से, तमाम मानसिक तनाव से, हर एक अंधकार की शक्ति जो इन्हें तंग करती, यीशु नासरी के नाम में जड़ से उखड़ जा और निकल जा यीशु नाम में। परमेश्वर, परम प्रधान की छाया में ये बैठे रहें, और सर्वशक्तिमान की उपस्थिति इनको सुरक्षित रखे, और परम प्रधान की छाया में ठिकाना पाकर यहोवा के विषय में कहें कि वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, और ये परमेश्वर की तारीफ करें। यीशु के नाम में आमीन।